हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 13 ऑफ 9th क्लास संस्कृत। गीता दर्शनम। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 13 गीता दर्शनम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें यहाँ पर एक पद में उत्तर राइट करना है, ठीक है। क नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर किमर्थम आत्मानम सृजति। ईश्वर किस लिए आत्मा का सृजन करता है? ईश्वर किस लिए आत्मा का सृजन करता है? इसका आंसर आएगा धर्म उत्थान आया, धर्म के उत्थान के लिए, ठीक है। धर्म के उत्थान के लिए ईश्वर आत्मा का सृजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ते अधिकारा कुत्र। तुम्हारा अधिकार क्या है? तुम्हारा अधिकार क्या है? इसका आंसर आ जाएगा कर्मनिष्य स्वयं का कम, कर्मनिष्य स्वयं का कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातस्व ध्रुवम किम। जन्म लेने वाले का क्या होता है? जन्म लेने वाले का क्या होता है? इसका आंसर देख लेते हैं, मृत्यु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नात् कानि भवन्ति। अन्न से क्या होता है? अन्न से क्या होता है? इसका आंसर आएगा भूतानि। अन्न से भूख मिटती है, ठीक है। अन्न से भूख मिटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामात् कह अभिजायते। काम से क्या पैदा होता है? काम से क्या पैदा होता है? इसका आंसर आ जाएगा क्रोधो, क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वदर्शिन कथम उपदेक्षन्ति। तत्वज्ञाता क्या उपदेश देते हैं? तत्वज्ञाता क्या उपदेश देते हैं? इसका आंसर आएगा तत्वदर्शिन ज्ञानी न ज्ञानम उपदेन्ति, ठीक है। तत्वज्ञाता ज्ञान का उपदेश देते हैं, ठीक है। तत्वज्ञाता ज्ञान का उपदेश देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन कथम वशी भवति। मन कथम वशी भवति। मन किस तरह वश में होता है? मन किस तरह वश में होता है? इसका आंसर आएगा मन यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम अत्यनियम वशम नयते। मन यहाँ वहाँ विचरण करता है तब स्वयं द्वारा उसे वश में किया जाता है। मन यहाँ वहाँ विचरण करता है तब स्वयं द्वारा उसे वश में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वम कस्मिन्नत्र न सोचितुर महर्षि। तुम्हें किसके लिए सोच नहीं करना चाहिए? तुम्हें किसके लिए सोच नहीं करना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा त्वम जातस्य मृत्यु ध्रुव मृतस्य जन्म ध्रुव च तस्मात् अपरिहाये अधे सोचितुम न हर्षि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर रहा है वह जन्मेगा। ओ जो मर रहा है वो जन्मेगा, अतः व्यर्थ सोच नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यर्थ सोच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि नाशत किम भवति। बुद्धि के नाश होने से क्या होता है? बुद्धि के नाश होने से क्या होता है? बुद्धि नाशत प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, ठीक है। बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि लिखत, ठीक है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पुरुष कथम विनश्यति। पुरुष का विनाश कैसे होता है? पुरुष का विनाश कैसे होता है? पुरुष बुद्धि नाशत विनश्यति। पुरुष का विनाश बुद्धि के नाश होने पर होता है, ठीक है। पुरुष का विनाश बुद्धि के नाश होने पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वदर्शिनः कथम उपदेशन्ति। तत्वदर्शी क्या उपदेश देते हैं? तत्वदर्शी क्या उपदेश देते हैं? इसका आंसर आ जाएगा तत्वदर्शिन ज्ञानिन ज्ञानम उपदेशन्ति।
तत्वदर्शी ज्ञान का उपदेश देते हैं। ठीक है, तत्वदर्शी ज्ञान का उपदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर कदा संभवते, ईश्वर कब जन्म लेता है, ईश्वर कब जन्म लेता है, इसका आंसर आ जाएगा यदा यदा धर्मस्य ग्लानि अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति तदा कि अहम आत्मानम सृजामि। जब जब पृथ्वी में धर्म का नाश होता है, जब जब पृथ्वी में धर्म का नाश होता है, तब धर्म को बचाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति तदा कि अहम आत्मानम सृजामि। जब जब पृथ्वी में धर्म का नाश होता है, तब धर्म को बचाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ कस्मा संभवति, यज्ञ किससे संभवत है, इसका आंसर आ जाएगा कर्मा संभवति, यज्ञ कर्म से संभव है, यज्ञ कर्म से संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम योजयत, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर हमें अ एंड ब टू कॉलम्स गिवन है, हमें इन्हें मैच करना है। ठीक है, साधु नाम को हम चरित्र नाम से मैच कर देंगे। ठीक है, साधु नाम को हम चरित्र नाम से मैच करेंगे, दस्कृताम को हम विनाशय से मैच करेंगे। ठीक है, संगात को हम कामह से मैच करेंगे। नेक्स्ट है क्रोधात को हम सम्मोह से मैच करेंगे। ठीक है, क्रोधात को हम सम्मोह से मैच करेंगे। बुद्धिनाशत को हम प्रणश्यति से मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उचित शब्द रिक्त स्थानी पूर्यत, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, यदा यदा ही ग्लानि भवति, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। नेक्स्ट देखते हैं, ते एव अधिकार, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है कर्मणि। ठीक है, ते कर्मणि एव अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यायतो विषयानुपुषम, यहाँ पर ऐड करना है संस्ते सुप जायते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित पर्यायवाची शब्द लिखित, हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द राइट करना है, साधु का सज्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रजन्य का आ जाएगा जलम, चचलम का लोलम, यज्ञ का होगा अध्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित पदानाम विलोम शब्द लिखत, ठीक है, हमें यहाँ पर विलोम शब्द लिखना मीन्स ऑपोजिट वर्ड राइट करना है। ठीक है, संग मीन्स होता है पृथक, ठीक है, इसको ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा पृथक। मृत्यु, मृत्यु का ऑपोजिट हो जाएगा जन्म। ठीक है, धर्म का हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड अधर्म, अन्य का हो जाएगा विशेष, परित्राण का हो जाएगा विनाश। ठीक है, परित्राण विनाश। ठीक है,